यूपी के जनपद गोंडा से आ रही है बड़ी खबर। भोलू सिंह हत्याकांड को लेकर अवैध केसरी सेना हुई लामबंद। कचहरी जिला पंचायत सभागार टीम सेट के नीचे स्वर्गीय भोलू सिंह की पत्नी व मासूम बच्चा और मां अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे और गौरा विधायक प्रभात और हत्यारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी करने की पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट हामिद अली। से बात करना ना, जेंस पुलिस हाथ नहीं लगा सकती लेडीज को, लेकिन ऐसे जेंस खींच के ले गई थी, खींच के लेके गई थी, थप्पड़ मार रही थी मेरी बुजुर्ग माता को, थप्पड़ मार के खींच के लेके गई थी। अब आंखों में सुना जा रहा है, अरे साहब बहुत है, आप भी तो मैं सो रहा है, आप बोलो कि मैं, अरे तुम कम से भी आप भी ये चांद तार दिन दे, सब सो रहे थे। परसेंट टाइम में लखनऊ थे हम, अपनी पूरी फैमिली के साथ परसेंट टाइम में लखनऊ थे, हमारा पति हमारे बच्चे हम सब लखनऊ थे। जिस टाइम ये कांड हुआ है उसे मैं सब जान गया, वो कभी यहां आइबे नहीं कर बोलता। मैडम क्या मामला है, यहाँ टीम सेट के नीचे आप धरने पे क्यों बैठी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दामिनी सिंह है, हम ऋतिक की पत्नी है, हमारे पति का नाम भोलू सिंह था, हमें इंसाफ चाहिए। किस लिए बैठी है यहाँ? इंसाफ के लिए बैठी। अच्छा, कब से बैठी है? 6 घंटे हो गए। तो आपकी प्रशासन शासन कोई सुनवाई हुई है? कुछ नहीं हो रही है, सब लोग मिले जुले हैं। प्रभात वर्मा के खिलाफ क्यों नहीं कोई लोग एक्शन ले रहे हैं? प्रभात वर्मा कौन है? हमारे यहाँ के विधायक। अच्छा, तो उन पे आपने आप आरोप लगा रही है? जी हाँ, हम खुला आरोप लगा रहे हैं, हमारे पास सबूत है उसके खिलाफ। अच्छा, कुछ लिखित उनके खिलाफ तहरीर दी है आप? जी हाँ। अच्छा सर, क्या वो क्या घटना किए हैं? उन्होंने हमारे पति को गोली मरवा के हमारे पति की हत्या करवाई है। अच्छा, ऐसा आरोप है, तो इसीलिए आप टीन सेट के नीचे आप बैठी हैं यहाँ पे? हाँ, जी हाँ। अच्छा, क्या चाह रही हैं आप? इंसाफ चाहिए। कितने लोग हैं आपके साथ धरने में? कोई गिनती नहीं है। अच्छा अच्छा, बाहर भी धरना चल रहा है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं। कैसा? एक तो ये पुलिस प्रशासन हमारे साथ खड़ी नहीं, हमें इंसाफ नहीं दिला पा रही, हमें संतुष्ट नहीं कर पाई आज तक। आज 22 दिन हो गए हमारे पति को मरे, अगर कोई हमारे साथ खड़ा हो रहा है तो उसपे झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि दलाली खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं वगैरह वगैरह। पुलिस बस हम लोग को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं लिखित दीजिए हमें। लिखित दिया तो जा रहा है, लिखिए ना। अच्छा, 3-3 बार लिखित दिया गया है, एक बार नहीं 3 बार लिखित दिया गया है। आपकी यही मांग है उन पे कार्रवाई की जाए? उन पे कार्रवाई की जाए, प्रभात वर्मा को जेल भेजा जाए। ठीक ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है यहाँ आप सेट के नीचे बैठे हुए, क्या मामला है? मेरा नाम नील ठाकुर है, मैं अवध जेल सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं भोलू भाई की जो तामेपुर ग्राम सभा में जो गोली मारकर हत्या हुई है पीठ पीछे, जो प्रभात वर्मा के गुर्गों ने किया है, प्रभात वर्मा ने उनको मरवाया, उसी के लिए मैं इनके परिवार के साथ और इनका पूरा परिवार हम लोगों के साथ में यहाँ पे है और उसी के न्याय के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से मांग है कि हमारी बहन को एक सरकारी नौकरी और परिवार वालों को सुरक्षा और परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और प्रभात वर्मा को जेल भेजने तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे और यही प्रशासन से मांग करते हैं कि उसका नाम तहरीर में बढ़ाया जाए और उसको जेल भेजा जाए। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, आप पत्रकार साथी बंधु हैं, यहाँ के प्रशासन और शासन अभी जो एडिटर साहब हैं शिवराज सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि कहते हैं कि अवध केसना फर्जी धन उगाही करती है, अगर ये अवध केसना फर्जी धन उगाही करती तो आज वो भी एसी के कमरों में सो रही होती। ऊपर से बताया जा रहा है कि आपके ऊपर 10-10 मुकदमे हैं, मुकदमे तो ब्रजभूषण शरद सिंह जी पर भी हैं, मुकदमे तो प्रभात वर्मा पर भी हैं, ऐसे कोई नेता बताइए प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक और सबके मुकदमे हैं, क्या सबको ये जेल भेजते आएंगे? और हम लोग अरनगल आरोप लगा रहे हैं अरनगल कि हम लोग धन उगाही करते हैं, क्या हम लोगों ने बजाज मिल से एक पैसा लिया और एक किसान से कोई पूछवा दे, एडिशनल साहब जाके पूछवा दे या एडीएम साहब पूछवा दे कि कहते हैं अवध केसी सेना का एक सैनिक भी किसी से 100 रुपए लिया हो, वहां पे 8 दिन बारिश में भीगते हुए अवध केसी सेना ने, यहाँ आपके 4 लोग कुएं में डूबे थे, बल्ली की हत्या है या विष्णु गोस्वामी की हत्या है या फिर कमलेश जी की हत्या है, ये लोग कैसे अरंगल आरोप लगा रहे हैं? आपका धरना कब तक ऐसे जारी रहेगा? ये जब तक प्रभात वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी, उनका नाम FIR में दर्ज नहीं होगा, वो जेल नहीं जाएंगे,
तब तक ये धरना ऐसे चलता रहेगा। यह मेरा नाम नीरज सिंह है, मैं अवध केसरी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और भोलू सिंह की हत्या 26 जून को कर दी गई। अवध केसरी सेना जब से हत्या हुई तब से लगातार आवाज उठा रही है। हम लोग 10 जुलाई को छपिया थाने पर जो है भूख हड़ताल भी किए थे, वहां पर सारे अधिकारी आए थे गोंडा पुलिस के और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी मांग जो है उस पर ईमानदारी से हम कार्य करेंगे, लेकिन कुछ कार्य नहीं हुआ। 17 जुलाई को हम लोग यहाँ पर फिर पुनः आज अनिश्चितकाल के लिए धरना दे रहे हैं और गोंडा के जो एडिशनल हैं शिवराज ने अभी हम पर आरोप लगाया है। मैं आप सभी गोंडा वासियों से ये कह रहा हूँ कि नीरज सिंह का ये 44वां आंदोलन है, हमने अभी एक पैसे का कहीं किसी से कोई प्रकार से घूस या किसी प्रकार से अन्य तरीके से वसूली नहीं की गई है। शिवराज ने कहा कि आप लखीमपुर में पैसा वसूली किए जो वहां पे किसान मरे, इसके बाद में बजाज कुंदरखी चीनी मिल पर बताए हम पर कि जो है आपने जो है बजाज कुंदरखी चीनी मिल पे पैसा लिया। 8 दिन हम लोग बजाज चीनी मिल को बंद करा के किसानों का पैसा दिलाए, उस पर पुलिस प्रशासन ने मुकदमा लिखा। आज पूरा गोंडा जनपद उसका गवाह है, लाखों किसान भाई उसके गवाह हैं, लेकिन इसके बाद में ऐसे अधिकारी जो है ये हम जैसे जो है जो समाज सेवी जो ईमानदारी से कार्य करते हैं इन पर आरोप लगा रहे हैं। अगर हम बेईमानी और चोरी डकैती से कार्य करते तो हमारी बाइक पल्सर वहां पे खड़ी है जो 2010 में हम खरीदे थे। अगर इनके जैसे चोरी बेईमानी और मक्कारी से कराते तो ये पल्सर गाड़ी नहीं चलते। आज 44 आंदोलन किए हैं, 157 यूनिट ब्लड डोनेट किए हैं और ये जैसे अधिकारी हमको बता रहे हैं कि हम बेईमान और चोर हैं। अगर हम चोर बेईमान होते तो हमारे पास भी 4-व्हीलर गाड़ियां होती। ये न्याय धरना अनिश्चित काल के लिए चलेगा, ये लोग भटकाने के लिए होपलेस कर रहे हैं, ये लोग डरा रहे हैं पुलिस वाले। हमारे कुछ भाइयों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया, उनके पैर में जो है चोट लग गई, उनका पैर फट गया, अंगूठा फट गया, जो है ऐसा तानाशाही काम कर रहे हैं ये विधायक प्रभात वर्मा के दबाव में। ये लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से ये लोग धरना बंद कर दें, इसके बाद में विधायक के जाके अपनी वहां पे ऊंची करवा लें कि देखिए हम आपके लिए क्या कर दिए हैं। जो है ये लोग विधायक के इशारे पे सरकार सत्ता पक्ष के इशारे पे कार्य कर रहे हैं। प्रशासन से यही चाहते हैं कि विधायक प्रभात वर्मा पर 120B के तहत षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए और बाकी कुछ नहीं चाहते हैं। यही हमारी मांग है, अवध केसरी सेना की यही मांग है, पीड़ित परिवार की यही मांग है जो है। और ये पुलिस हमको कमजोर करे, हमको डरा रही है, लेकिन मैं भी बता दे रहा हूँ हम मरने से भी नहीं डरते और जेल जाने से भी नहीं डरते और लाठी खाने से भी नहीं डरते। जो भी करना होगा वो कर लेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इनको भी क्या पता चलेगा कि हाँ नीरज सिंह कोई थे।